सर, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ा गया और बीजेपी की वहां पे हार हुई, उस हार का कारण क्या लोग समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली चुनाव हम लोग हारे हैं, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो कुछ सीखता है। और बाकी रही जो दिल्ली का चुनाव परिणाम आया है, उसकी समीक्षा की जाएगी पार्टी नेतृत्व में, उसको मिल बैठ के सोचा जाएगा कि क्या हमारे में कमी रही जो हमने दिल्ली की जनता को अपनी बात तक अपनी बात नहीं पहुंचाई, इसके लेकर बैठक की जाएगी। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे, क्योंकि हर जगह आप भी बीजेपी के जो जिस तरह से लोग मतलब समझ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, इससे बिहार में क्या इसकी छवि रहेगी सर? बिहार में 15 साल बनाम 15 साल का ये रहेगा। अब एक तरफ लालू के कुशासन की सरकार है, जो 15 साल में भ्रष्ट सरकार थी, जो जंगल राज की सरकार थी, और एक तरफ सुशासन की सरकार है। तो ये बिहार की जनता तय कर रखी हुई है कि सुशासन की सरकार को ही चुनेगी। क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत बताती है, तो दूसरे जगह वो उसकी हर जगह अभी हार देखी जा रही, क्योंकि झारखंड में भी वही हाल हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में हुआ, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, किसी भी चुनाव में जीत हार होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम हारे हैं तो बहुत जगह जीते भी हैं। हमने ऐसी ऐसी जगह जीती है जहां हमने पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार सरकार बनाई है, तो जीत हार लगी हुई रहती है। बाकी समीक्षा की जाएगी कि क्या परिणाम हुआ, क्या हम लोग में कमी रह गया जिसके कारण से हार का मुंह देखना पड़ा है, और फिर हम बैक करेंगे, वापस करेंगे। आप एक युवा हैं, युवा के नाते अभी जिम्मेवारी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ गई होगी पार्टी के अंदर, कैसी तैयारियां चल रही है और आप क्या उसमें आपका उपलब्धि रहेगा? एक एज ए युवा, हमको नरेंद्र मोदी सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे बिहार में एनडीए का जितना भी विकास का कार्य हुआ है, हमारा दायित्व है, हर युवाओं का, हर कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जन जन तक पहुंचाए, लोगों को जागरूक करे कि क्या हमने सरकार ने क्या किया है बिहार के जनता के लिए। ये सब आने वाले विधानसभा में लोगों तक पहुँचाएंगे। पुलवामा अटैक में 40 शहीद हुए थे जवान लोग, तो उनके उनके बारे में क्या आप कहेंगे? क्योंकि आज एक तरफ वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं और एक तरफ है जो पुलवामा में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहेंगे? वैलेंटाइन डे ये सब अंग्रेज का चोचला है, ये सब हम लोग नहीं मनाते हैं। ठीक है, मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत का कोई एक दिन नहीं होता, मोहब्बत का हर दिन होता है। लेकिन जो हमारे शहीद हो गए वतन के लिए, ड्यूटी कर रहे थे अपने देश के लिए ताकि हम लोग चैन से सो सके, उनको आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम देते हैं। जी, थैंक यू।